झारखंड हाईकोर्ट ने लॉकडाउन के दौरान गुम हुए बच्चों के मामले को गंभीरता से लिया है। चीफ जस्टिस रवि रंजन की अदालत ने मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए झारखंड सरकार और पुलिस महानिदेशक से लॉकडाउन के दौरान गायब हुए बच्चों के प्रति रिपोर्ट मांगी है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि झारखंड के 7 जिलों से बच्चे गायब हुए हैं, जो काफी चिंताजनक है। उन्होंने गिरिडीह, हजारीबाग, चतरा, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, गुमला, लातेहार जिलों के पुलिस अधीक्षकों से भी मामले पर रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने कहा है कि पहले भी राज्य सरकार को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बच्चों की गुमशुदगी पर चेतावनी दी थी। 116 बच्चों में से 89 बालिकाओं के गायब होने पर हाईकोर्ट ने रिपोर्ट भी तलब की है। बिला वाले घरों को रोशन तो करते ही बच्चों का भविष्य भी संवारते हैं। चिकू, तुमने बोला बड़ा रोल मिला है तो मुझे लगा। क्या लगा? लगा कि सेल्फी तो बनती है। चाचू, मेरा टैलेंट सेल्फी में फिट नहीं होगा। ओ, सेल्फी में तो फिट हो गया, गाड़ी में फिट होगा। 105 डिग्री सुपर वाइड सेल्फी ऑन वीवो V19। लोगों के घर में झांकना छोड़िए मकीजा, तू भी अपने घर में सेफ पेंटिंग करा ले, शूटिंग के लायक होगा तेरा घर। एशियन पेंट्स सेफ पेंटिंग सर्विस, मिस्ड कॉल दें 8050480504 पे। वाह,